खबर मुंबई से। मुंबई के आरटीओ डिपार्टमेंट ने दो महिंद्रा स्कॉर्पियो कार जब्त की है, जिसे मॉडिफाइड कर लिमोजिन की तरह एक लंबी कार बनाया गया है। दोनों कारों के अंदर सोफा, एलईडी टीवी, डीजे, बार काउंटर, मतलब हर वो लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद है जिसके बारे में आप सोचते हैं। अब ये कार जब्त कर ली गई है तो देखने वालों की दफ्तर में कतार लगने लगी है। गुजरात में बनी हुई दो गाड़ियां नवी मुंबई में पकड़ी गई और जब पकड़ी गई तो देखने वालों की भीड़ लग गई। आरटीओ से लंबी गाड़ी रखने का लाइसेंस नहीं मिला तो क्या हुआ, दो स्कॉर्पियो को जोड़कर लिमोजीन ही बना डाली। लिमोजीन मतलब लंबी गाड़ियां, असल जिंदगी में कुछ ऐसी। अब ऐसी गाड़ियां सरकार से बिना इजाजत चलती नहीं तो गुजरात के भाई लोगों ने सोचा कि लाइसेंस नहीं मिला तो क्या हुआ, स्कॉर्पियो तो है ना। न कंप्यूटर का ज्ञान था, न इंटरनेट का और न ही विज्ञान का, जुगाड़ से इंजीनियरिंग बना दिया, बन गया लिमोजीन। गुजरात में दौड़ रही थी लेकिन नवी मुंबई पहुंचने पर आरटीओ ने पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो आरटीओ वाले भी नाप नाप कर थक गए। बताया जा रहा है अकूत संपत्ति वाले लोग हैं जिनकी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े शौक थे, अब आपके सामने उनकी इच्छाओं का नतीजा है। क्या नहीं है इस गाड़ी में आप कल्पना करके देखिए। सीट पर शरीर फिट नहीं हुआ तो सोफा लगवा लिया, 12 इंच के पोर्टेबल स्क्रीन को हटाकर 22 इंच की एलईडी, म्यूजिक सिस्टम से मन नहीं भरा तो डीजे लगवा लिया, बार काउंटर देखकर तो बार वाले भी शर्मा जाए। कारपेट देखिए और देखिए अंदर की ये तस्वीरें। अब ये बना कैसे, इस लिमोजीन का आविष्कार करने वालों को कहां से ये रोशनी आई, तो समझिए इसका विज्ञान। दो स्कॉर्पियो कार को पहले बीच से काट दिया गया, पहली गाड़ी का अगला हिस्सा और दूसरी गाड़ी का पिछला हिस्सा जोड़ा गया। जोड़ने पर कार की लंबाई करीब 8 मीटर हो गई। लिमोजीन की मार्केट प्राइस करीब 10 करोड़ होती है, 20 लाख में लिमोजीन जैसी गाड़ी बन गई। भारत में ऐसे मॉडल का अप्रूवल जरूरी होता है, जांच के बाद ही ऐसी गाड़ियां सड़क पर चल सकती हैं। लेकिन ना तो गाड़ी चलाने वाले के पास अप्रूवल था, ना ही कोई लाइसेंस। जोड़ जाड़ कर जुगाड़ तकनीक से बनाई थी और चलाई भी, लेकिन अब जब गाड़ी जब्त हो गई और चालान कट गया तो सारा का सारा विज्ञान धरा का धरा रह गया। गोपाल शाह, इंडिया टीवी, नवी मुंबई।